गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ बेटा, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 का, रॉक्स एंड मिनरल्स। अभी देखते हैं रॉक्स और मिनरल्स क्या होते हैं। अ ह्यूज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ रॉक्स। बेटा, अर्थ सरफेस का काफ़ी बड़ा पार्ट किससे मिलकर बना है? रॉक्स से। रॉक्स कैन बी सीन इन द माउंटेन्स अंडर द सॉइल एंड अंडर द बेड ऑफ वाटर बॉडीज। बेटा, जो रॉक्स हैं वो हमको माउंटेन्स पर भी देखने को मिलते हैं, सॉइल के नीचे भी देखने को मिलते हैं, और जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनकी सरफेसेस के नीचे भी देखने को मिलते हैं। सम रॉक्स लाइक स्टोन्स एंड पेबल्स कैन बी सीन लाइंग अराउंड द रोड्स, इन द प्लेग्राउंड्स, गार्डन एट्सेट्रा। और कुछ बेटा जो स्टोन्स होते हैं, जो छोटे छोटे से पत्थर होते हैं या पेबल्स होते हैं, पेबल्स जो राउंड राउंड पत्थर होते हैं ना, ये हमें देखने को मिलते हैं जैसे रोड्स पर भी, प्लेग्राउंड्स में, गार्डन वगैरह में हमें मिल जाते हैं। सॉइल इज ऑल्सो मेड ऑफ वेरी टिनी रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। बेटा, जो सॉइल होती है वो भी बहुत ही छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस से मिलकर बनती है। ह्यूमस क्या होता है? जो बेटा डेड एनिमल्स वगैरह होते हैं उनका जो वेस्टेज होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रॉक्स, अब रॉक्स के कितने टाइप्स होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स वी कैन ग्रुप रॉक्स इंटू 3 टाइप्स, नेमली इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। बेटा, रॉक्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं उसके बेसिस पर रॉक्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अब इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपका इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ। बेटा, ये अर्थ पर सबसे पुरानी फॉर्म है रॉक्स की। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम मॉल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। बेटा, ये जो हैं ये मॉल्टन यानी कि पिघले हुए जो रॉक्स होते हैं, जैसे लावा फॉर्म में मैग्मा, उसी से ये फॉर्म होते हैं। दे आर फॉर्म्ड अंडरग्राउंड एज वेल एज अबव द ग्राउंड। बेटा, ये ग्राउंड की, अंडरग्राउंड मीन्स नीचे और ऊपर दोनों ही जगह फॉर्म होते हैं। When a volcano erupts, it causes the magma to rise above the ground. बेटा, जब भी कोई volcano फटता है तो जो magma है लावा form में वो बाहर आता है ground से। The magma after it comes out to the surface of the earth is called lava. भाई मैंने जो भी बताया, जब ये earth की surface से बाहर आता है तो किस form में होता है? Lava form में। The lava cools down and solidifies to form igneous rocks. और फिर वही जो लावा होता है वो थोड़ा ठंडा होता है और फिर वो solidification means solid में convert होता है और किस form में हमको मिलता है? Igneous rock form में। Depending on the rate at which the magma cools, igneous rocks are also of different types. बेटा, इस चीज़ पर depend करते हुए कि मैग्मा कितनी स्पीड से ठंडा हो रहा है, अलग अलग टाइप्स के जो इग्नियस रॉक्स हैं वो फॉर्म होते हैं। आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है बेटा। जितना आपको बढ़ाया गया है उतना आप रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।